तो इस कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यायो काइटारो को बचाकर दोबारा से अपने घर ले आती है और उससे ये कहती है कि भले ही हमारे रास्ते अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम खतरनाक से खतरनाक भूतों को पकड़कर इन शैतान आत्माओं को खत्म कर देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइको कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या पहने। तभी काइटारो उससे कहता है, अरे यार जल्दी करो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। जिस पर आइको ये कहती है कि कोई बात नहीं, आज हम कार से जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कार में बैठकर अपने कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं और इनके साथ यायो भी होती है। यायो ये बताती है कि उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और वो भी इनके साथ इनका कॉलेज देखने के लिए जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ये सारे कॉलेज पहुंच जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद कुछ लड़के और लड़कियां आइको को घेर लेते हैं क्योंकि वो भी काइटारो की तरह पढ़ने में काफी तेज होती है। आइको को इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में घिरा हुआ देखकर काइटारो ये सोचता है कि इसकी सोशल लाइफ तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने इसे कर्ज दे दिया था और मेरी वजह से इसकी लाइफ खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी ये आज तक मेरे साथ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बैठे होते हैं जहां पर आइको उसे घोस्ट स्टोरी वाला कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन काइटारो उसे मना कर देता है। लेकिन वो मन ही मन ये सोचता है कि आइको को भूतिया चीजें काफी ज्यादा पसंद है और वो मेरी वजह से इन चीजों में नहीं जा पा रही। तभी हम देखते हैं कि आइको काफी ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने लगती है और काइटारो उसकी बात को मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उस भूतिया क्लास में चले जाते हैं जहां पर एक टीचर आता है। वो सभी को हेलो बोलने के बाद अपनी कहानी को शुरू करता है। वो ये कहता है, मेरे पास एक टेप है जो कि एक आर्ट स्टूडेंट ने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास सबमिट कराई थी, लेकिन जब उसने ये सबमिट कराई उससे पहले उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी और उसके बाद ये टेप सबमिट हुई थी। उसके बाद टीचर ये बताते हैं कि जो भी इस टेप को देखता है वो इसको देखने के बाद अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लेता है, जिसको सुनने के बाद काइटारो की पैंट और भी ज्यादा गीली होने लगती है, जिसके बाद वो टीचर उस टेप को चला देते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि एक बंदा सामने चेयर पर बैठा होता है और उसके चारों तरफ केरोसिन रखा होता है। वहां पे कुछ परछाइयां भी होती हैं जो केरोसिन को फैलाने में उसकी हेल्प कर रही होती हैं। कुछ देर के बाद वो बंदा दोबारा से चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन उसके बाद वो बदल जाता है। अब वो लड़का पूरी तरह से काइटारो की तरह दिखने लगता है, जिसको देखकर काइटारो और आइको काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिर वो बंदा अपने आप को आग लगा लेता है और काइटारो की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद ये वीडियो एंड हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद टीचर ये कहता है कि जब पहले मैंने ये वीडियो देखी थी तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये सब हुआ कैसे? मैं जल्दी जाता हूँ, पुजारी को बुलाकर लेके आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके ये पूरा क्लासरूम खाली होने लगता है और यहाँ पे बस यायो, आइको और काइटारो बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यायो के हाथ में जो डॉल होती है वो धीरे धीरे जलने लगती है। यायो उसे देखकर ये कहती है कि इस डॉल के अंदर हम तीनों की नाखून है, तभी हम बच गए, वरना काइटारो तुम भी अभी तक जल चुके होते। फिर हम देखते हैं कि यायो उस टेप के पास जाती है और उसके ऊपर नमक डालने लगती है और उसके नीचे एक घास वाली गुड़िया को रख देती है। वो ये कहती है कि नमक डालने के बाद इसका भूत इस गुड़िया के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये वाला भूत काफी ज्यादा खतरनाक है। वो ये भी कहती है कि ये भूत काफी ज्यादा खतरनाक है तो मैं इससे अभी लड़ नहीं सकती। तभी हम देखते हैं कि यायो उस डॉल को एक बॉक्स के अंदर रख देती है और उसके सामने उसी टेप को रख देती है। वो ये कहती है कि जो भी इस टेप को देखता है ये कर्ज उसी को लग जाता है, तो क्यों ना हम ये ट्राई करें, इसी भूत को ये वाला कर्ज लगवा दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यायो उस टेप को चलाकर बॉक्स को बंद कर देती है, लेकिन तभी अचानक काइटारो के हाथ में आग लगने लगती है, लेकिन आइको उस पर पानी डालकर आग को बुझा देती है। जिसके बाद यायो ये कहती है कि हमारी इस टेक्निक से ये भूत डर चुका है, तभी इसने काइटारो को ना जलाकर उसके कपड़ों को जलाया है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए, वहां मेरी एक कुल्हाड़ी रखी है। काइटारो डरकर ये कहता है कि अगर हम कार से गए कहीं ऐसा ना हो हमारी गाड़ी के अंदर आग लग जाए और हम सारे वहीं के वहीं मर जाएं। यायो ये कहती है अगर हम सारे यहां भी रुके तो हम यहां पर भी मरने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे कार के अंदर बैठ जाते हैं और काइटारो को नंगा कर दिया जाता है और उसके हाथ में भी एक कपड़ा बांध दिया जाता है। आइको ये बताती है कि अगर तुम्हारे शरीर पर कोई कपड़ा होगा तो वो भूत तुम्हें जला सकता है, इसलिए हमने तुम्हारे सारे कपड़े उतार दिए हैं। काइटारो ये कहता है तो मेरे हाथ पे ये कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? आइको बताती है कि तुम्हारे शरीर पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसको वो जला सके, वरना वो मेरी पूरी की पूरी गाड़ी को भी जला सकता है। जिसके बाद यायो ये कहती है कि मैंने अभी इस बॉक्स के अंदर टेप को बंद किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ये वीडियो चला दूंगी इस भूत को सारा का सारा कर्ज लग जाएगा, लेकिन ये अपने आप को बचाने की पूरी ट्राई करेगा और ये कुछ भी कर सकता है। काइटारो ये कहता है कि मेरे हाथ में जो आग लगेगी मैं उसका क्या करूंगा? यायो उसे कहती है कि जब कार चलेगी तुम कार में लगने वाली हवा से अपने हाथ की आग को बुझा लेना। काइटारो ये सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब वहां से निकल जाते हैं और यायो उस टेप को चला देती है, जिसके बाद वो भूत काफी ज्यादा फड़फड़ाने लगता है और वो बॉक्स भी हिलने लगता है। तभी काइटारो के हाथ में आग लग जाती है और काइटारो अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकाल कर आग को बुझा लेता है, लेकिन तभी दोबारा से काइटारो के हाथ में आग लग जाती है। आइको गाड़ी को और भी तेज भगाती है और आग बुझ जाती है, लेकिन इस बार जो आग लगती है वो पहले से भी काफी खतरनाक होती है क्योंकि ये भूत अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके काइटारो के हाथ को जलाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि आइको अपनी गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देती है, जिससे काइटारो के हाथ में लगी हुई आग फाइनली बुझ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बॉक्स भी हिलना बंद हो जाता है। सभी को लगता है कि ये भूत अब शांत हो चुका है। उसके बाद वो घर पहुंच
पहुंच जाते हैं और यायो उस डॉल को लेकर अपने कमरे में जाकर रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइको काइटारो के हाथ का इलाज करवा कर वापस आ रही होती है और वो काइटारो से सॉरी भी बोलती है। तभी हम देखते हैं वो उसे बताती है कि यायो ने उस डॉल के कर्ज के बारे में पता लगा लिया है। कुछ लड़के उस स्टूडेंट को परेशान किया करते थे और उसे सुसाइड करने के लिए भी कहा करते थे। बाद में उन्होंने उसकी फैमिली को भी परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे दुखी होकर उस लड़के ने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर ली थी। इसके बाद हमें यायो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें यायो ये कहती है कि अगर इस घास वाली डॉल के अंदर वो असली आत्मा है जिसने कर्ज चालू किया है तो कुछ हो सकता है, और इसने काइटारो को नुकसान पहुंचाया है तो इसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइको अपने घर पहुंच जाती है। अपने रूम में जाने के बाद वो अपनी अलमीरा के अंदर जाकर बैठ जाती है, जहां पर उसने काइटारो की काफी सारी पिक्चर्स को लगाया होता है। यहां हमें पता लगता है कि आइको एक साइको है जो कि काइटारो से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालती है ताकि काइटारो उसकी हेल्प करे, उसकी जान बचाए और उसके और भी ज्यादा नजदीक आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइटारो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो ये सोचता है कि मेरे बस अब दो ही मकसद है, मैं अपने आप को भूतों से दूर रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे नए लोगों से मिलना पड़ेगा। काइटारो ये कहता है कि मैंने भूतों से बचने के लिए अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया है ताकि भूत मुझ पर कंट्रोल ना कर सके, और इसके लिए मुझे नए दोस्तों से भी मिलना पड़ेगा। वो खड़ा हुआ ये सोच ही रहा होता है कि मैं इन लोगों से बात कैसे करूं, मुझे तो नए दोस्त बनाने भी नहीं आते। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक क्लब का प्रेसिडेंट आता है जिसका नाम नागायामा होता है, और वो काइटारो को थोड़े बहुत नए दोस्त बनाने के लिए मोटिवेट करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो ये सोच रहा होता है कि इन सारी भूतिया चीजों की वजह से मैं एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं कुछ भी करके नए दोस्तों बना ही लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइको अपने लैपटॉप से काइटारो पर नजर रख रही होती है, यहां तक कि वो काइटारो की हार्ट बीट को भी नोटिस कर रही होती है। तभी वहां पर यायो आ जाती है, जिसको देखने के बाद आइको अपना लैपटॉप बंद कर लेती है। लेकिन यायो को ये लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है और उससे जाकर पूछती है कि तुम रो क्यों रही थी। आइको ये कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि काइटारो नए दोस्त बना रहा है। तभी हम देखते हैं कि यायो उसका लैपटॉप उठाकर अंदर देख लेती है और वो ये कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने उसे नए कपड़े क्यों दिलाए थे, उन सारे कपड़ों के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं ना। और वो उससे पूछती है क्या तुम काइटारो से प्यार करती हो। आइको कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस लैपटॉप के अंदर से भूतों की आवाजें आने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों काइटारो पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं कि वो नए दोस्त नहीं बना पा रहा। फिर हम देखते हैं कि काइटारो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की भी होती है। काइटारो उनके सामने थोड़ा बहुत घबरा रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि आज तो मैं कुछ भी करके नए दोस्त बना ही लूंगा। तभी वो उनसे पूछता है कि मेरा नाम काइटारो है और मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से हूँ, तुम दोनों कौन से डिपार्टमेंट से हो जल्दी बताओ। जिसके बाद वो दोनों अपना नाम और डिपार्टमेंट बता देते हैं, लेकिन उसके बाद काइटारो को समझ नहीं आता कि वो और क्या बात करे, उसे कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो के पास उसी क्लब का प्रेसिडेंट आ जाता है और वो काइटारो से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे घर पार्टी के लिए चलोगे। काइटारो उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि काइटारो उसी गाड़ी में बैठकर उसी घर की तरफ जाने लगता है और उनके साथ और भी लोग होते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद काइटारो को भूतों का एहसास होने लगता है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं भूतों को महसूस कर सकता हूँ, जिस पर प्रेसिडेंट खुश होता है और वो उसे एक कहानी सुनाने लगता है। प्रेसिडेंट ये बताता है कि रियो यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा क्लब है जहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। काइटारो से पूछता है तब तो यूनिवर्सिटी ने वो क्लब बंद कर दिया होगा ना। नागा कहता है कि नहीं, वो क्लब को पहचान ही नहीं पाते, जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो बंद कैसे करेंगे, क्योंकि हर सुसाइड के बाद ये क्लब अपना नाम चेंज कर लेता है और इसके मेंबर्स भी बदल जाते हैं, इसलिए उसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस क्लब के अंदर सब कुछ बदलता रहता है लेकिन एक इंसान का नाम इसमें सेम रहता है, लेकिन उसको भी पकड़ना इतना आसान नहीं है। लगता तो यही है कि वही सब कुछ करवा रहा है, लेकिन वो भी टाइम टू टाइम अपने चेहरे को चेंज करवा लेता है। तभी प्रेसिडेंट उस बंदे का नाम बताता है, वो ये कहता है कि उसका नाम है नागायामा। इसे सुनने के बाद काइटारो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को भूत ने अपने कब्जे में कर लिया होता है। यायो ये सब कुछ कैमरे से देख रही होती है। वो ये कहती है कि हमें काइटारो की हेल्प करनी पड़ेगी वरना काफी देर हो सकती है। काइटारो का चश्मा गिर जाने की वजह से उसकी लाइव रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों काइटारो को बचाने के लिए नागायामा के घर की तरफ निकल जाते हैं। अगली सीन में जब काइटारो की आंख खुलती है, वो ये देखता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उसकी गर्दन में भी फांसी का फंदा है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे ही फांसी के फंदे में बंधे हुए हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि यायो ये पता लगा रही होती है कि काइटारो को आखिरकार कहां लेकर जाया गया है। तभी वो कहती है कि लेकिन ये आत्मा रियो यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही टारगेट क्यों कर रही है। जिस पर आइको ये कहती है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यहां से काफी ज्यादा पास है और यहां पर हर साल नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इसलिए वो आत्मा ज्यादा लोगों को मार सकती है और उस आत्मा का नाम है नागायामा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काइटारो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मरने ही वाला होता है क्योंकि नागायामा उसे फांसी के फंदे पर लटकाने वाला था। लेकिन तभी यायो और आइको वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नागायामा यायो को अपने एक हाथ से उठा लेता है। तभी वो उसके मुंह में वाइन की बोतल को
घुसा देती है। ये पीने के बाद उसके शरीर से वो आत्मा अलग हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो प्रेसिडेंट दोबारा से एक लाइटर उठाता है और सभी लोगों को आग लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यायो उसका लाइटर गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे शरीर से तो भूत अलग हो चुका है, तो तुम अब क्यों लोगों को मार रहे हो। वो ये कहती है कि मैं ये समझ चुकी हूँ, तुम्हारी और इस भूत की सोच एक जैसी है, इसलिए इसने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके सर पे एक बोतल मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अगले ही पल यायो ये बताती है कि इस बंदे का असली नाम माचीडा है, एक क्राइम की वजह से ये जेल चला गया था, लेकिन जब ये वापस आया तो सभी लोग इसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और इसने लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी और उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी लटके हुए लोगों को भी नीचे उतार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यायो ये कहती है कि आगे का काम पुलिस संभाल लेगी, हमें पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी काइटारो रास्ते में सोचने लगता है कि अगर उसे सबको मारना ही था तो वो फांसी के फंदे का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, और वहाँ पर एक और फांसी का फंदा था जो कि खाली था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागायामा का भूत दोबारा से आ जाता है और वो उस बंदे की बॉडी के अंदर जाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। और जैसे ही काइटारो और बाकी सब उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं, तभी काइटारो को ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई और भूत है, और काइटारो ये कहता है कि मुझे एक और भूत के होने का एहसास हो रहा है। तभी यायो बताती है कि जो एक बार मर चुका वो दोबारा से नहीं मरता, लेकिन उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। जब एक ताकतवर भूत किसी दूसरे भूत को खा लेता है तो वो उसे खाता नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है ताकि वो हमारी दुनिया के अंदर बना रहे। और तुम ये सोच रहे थे ना कि वहाँ पर फांसी के फंदे का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि एक आत्मा और भूत जिस भी इंसान को मारते हैं तो फांसी के फंदे पे लटकाने के बाद उसकी आत्मा और भूत की आत्मा सेम लेवल पर आ जाती है, जिससे उसे खाना और भी ज्यादा आसान होता है। आगे हम देखते हैं कि यायो के हाथ में एक छोटी सी डॉल होती है जिसमें उसने नागायामा की आत्मा को कैद कर लिया था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वहाँ पर सुसाइड होना बंद हो चुका होता है और जितने भी लोग वहाँ फंसे थे सारे बच चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बैठकर कार में वापस आ रही होती है, लेकिन काइटारो थोड़ा बहुत परेशान होता है क्योंकि वो नए दोस्त नहीं बना पाया था। वो ये सोचता है कि पिछले साल से ज्यादा इस साल में भूतों के बीच ज्यादा घिरा हुआ हूँ। तभी यायो कहती है कि तुम्हें भूतों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें भूतों से लड़ना सीखना चाहिए, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद काइटारो ये कहता है कि वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरी लोकेशन का पता आखिरकार लगाया कैसे। जिस पर यायो कहती है कि लड़कियों के पास सिक्स सेंस होते हैं और हमने इसी से तुम्हारा पता लगा लिया। काइटारो उन दोनों की बातों को मान जाता है। उसके बाद वो सारे घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइको के हाथ में एक चाकू होता है और वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। वो ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए नहीं मर सकते। तभी हम देखते हैं कि यायो उसकी वीडियो बना रही होती है और ये दोनों इस वीडियो को एक सोशल मीडिया पर डालने की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों कैंपिंग के लिए बाहर आए हुए होते हैं। काइटारो ये सोचता है कि ये दोनों मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं वो सुसाइड वाला इंसिडेंट भूल सकूं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि काइटारो और यायो फिशिंग के लिए चले जाते हैं। वो काफी देर तक बैठे रहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी फिश नहीं आती और ना ही वो किसी फिश को पकड़ पाते हैं। तभी यायो उससे पूछती है, क्या तुम भूत पकड़ने में मेरी हेल्प करोगे। काइटारो कहता है कि मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा है। यायो कहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है, तुम इसके बारे में सोचती क्यों नहीं। काइटारो कहता है कि मुझे इस बात का डर है, अगर भूत पकड़ते टाइम मेरा कर्स मेरी पूरी बॉडी में फैल गया तो मैं क्या करूंगा, और अगर गलती से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। इसके बाद यायो ये कहती है कि चलो मछली पकड़ने का कॉम्पिटिशन करते हैं, जो भी ज्यादा मछली पकड़ेगा वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि काफी देर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई भी मछली नहीं मिलती, उन्हें बस क्रैब और बाकी चीजें मिलती हैं, जिसके बाद वो निराश होकर दोबारा कैंप की तरफ लौटने लगते हैं, जहां पर आइको ने उनके लिए खाना पहले से बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर यायो सो जाती है। तभी काइटारो और आइको आपस में बात कर रहे होते हैं। काइटारो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, हम अपने कर्ज को दूर कर सकते हैं। तभी आइको उसे वॉक पर चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों एक नदी के किनारे वॉक पर चले जाते हैं, जहां पर आइको उसे बताती है कि मुझे भूतिया जगह पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज पसंद है जो कि हो तुम। काइटारो ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो उससे पूछता है कि अगर मैं किसी भूतिया जगह पर जाऊंगा तो क्या तुम मुझे रुकोगी। आइको कहती है कि हाँ, तुम्हें बस एक शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझे भी वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। जिसके बाद काइटारो ये सोचता है कि मैं कुछ भी करके हम दोनों के कर्ज से छुटकारा पा ही लूंगा। इसके बाद वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी आइको देखती है कि उस पुल के ऊपर एक आत्मा है जो कि उस पुल से नीचे कूद रही है। ये सब देखने के बाद आइको काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो काइटारो से पूछती है, क्या तुम्हें भी वहाँ पर कोई आत्मा दिख रही है। काइटारो इस पर मना कर देता है। आइको को लगता है कि शायद वो थकी हुई है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो पुल वाला भूत धीरे धीरे करके उनके टेंट की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी काइटारो की आँख खुल जाती है और जैसे ही काइटारो अपने कैंप से बाहर निकलता है, वो ये देखता है कि आइको उसी पुल की तरफ जा रही है। तभी काइटारो उसको रोक लेता है और यहाँ पर यायो की आँख भी खुल जाती है। काइटारो उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो दोबारा से तीनों कैंप के अंदर आ जाता है।
जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आइको के ऊपर एक भूत ने कब्जा कर लिया है। ये एक ऐसा भूत है जो कि लोगों को पुल पर ले जाकर उन्हें ऊपर से गिरने के लिए उकसाता है और उन्हें मार देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि काइटारो आइको को लेकर उसी पुल पर चला जाता है और यायो भी पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही होती है। काइटारो फोन पर यायो से कहता है कि मुझे सामने एक भूत नजर आ रहा है। यायो कहती है कि हाँ, मैं भी उसे देख पा रही हूँ। इसके बाद हम यायो का प्लान देखते हैं। वो ये कहती है कि हम उस भूत को उकसाएंगे और जैसी वो भूत तुम्हारी तरफ आएगा, तुम उस भूत को इस डॉल के अंदर बंद कर देना और बाद में इस डॉल को एक नमक की थैली के अंदर डाल देना, जिससे आइको आजाद हो जाएगी। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब भी आइको आजाद नहीं होती। वो बार बार उसी पुल की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी काइटारो उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे भूत आकर यायो की डॉल को खींचने लगते हैं और बाद में वो सारे भूत आइको को छोड़कर काइटारो को खींचने लगते हैं और उन दोनों को नीचे गिरा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यायो ने उन दोनों की कमर पर रस्सी बांधी हुई थी, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद सारे भूत उस डॉल में से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यायो उनके ऊपर नमक फेंक देती है और उनको वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक भूत यायो के कब्जे में आ जाता है। यायो उसे कहती है कि मैं तीन तक गिनूंगी, अगर तुम अंदर नहीं आए तो दूसरी आत्मा तुम्हें खा जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भूत एक डॉल के अंदर आ जाता है। फिर यायो कहती है कि यहाँ पे टोटल 10 भूत हैं, जिनमें से हमने दो को पकड़ लिया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यायो उन दोनों के शरीर पर रस्सी बांध रही होती है। वो ये कहती है कि काइटारो, भूत तुम्हें भी पुल से नीचे गिराना चाहते हैं, इसलिए तुम इसे बांध लो। काइटारो से पूछता है कि तुम्हें ये रस्सी कहाँ से मिली। यायो कहती है कि एक मंदिर के अंदर इस रस्सी से एक काफी खतरनाक भूत को बांधा हुआ था, तो मैंने रस्सी से उस भूत को छुड़ाकर अपनी डॉल के अंदर कैद कर लिया और ये रस्सी ले ली। जिसके बाद यायो कहती है कि मैं अंधेरे के अंदर भूत को नहीं देख सकती। काइटारो, क्या तुम्हें पुल पर कोई दिख रहा है? काइटारो ये कहता है कि मुझे पुल पर काफी सारे भूत महसूस हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सारे भूत एक साथ काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक तीन भूत आकर काइटारो और आइको के पीछे पड़ जाते हैं, जिनमें से एक भूत आइको को अपने वश में कर लेता है, बाकी के दो भूत काइटारो के पैर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद काइटारो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि आइको अपने हाथ में एक भूत लेकर काइटारो के मुंह में डालने लगती है और धीरे धीरे काइटारो उस भूत के वश में आने लगता है। लेकिन तभी काइटारो अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और फटाफट पी लेता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यायो ने ही उससे कहा था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भूत हावी हो जाए, तुम फटाफट से इस वाइन को पी लेना। अगर तुम इस वाइन को पीने के बाद इस चावल से बनी हुई डॉल पर थूकोगे तो वो भूत इसके अंदर कैद हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाने। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो ऐसा ही करता है और वो एक भूत को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यायो कहती है कि मैं चावल की काफी सारी डॉल्स बना लूंगी और हम एक एक करके इन सारे भूत को पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें पता लगता है कि यायो ने काफी सारे भूतों को पकड़ लिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने तीन भूत आ जाते हैं। यायो कहती है कि अभी देखते रहो, और भी भूत आएंगे हमसे बदला लेने के लिए, और देखते ही देखते वहाँ पर और भूत आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यायो चार स्क्रू ड्राइवर निकालकर उन डॉल्स के अंदर घुसा देती है और ये कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्त दर्द में ना रहे तो फटाफट से इन डॉल्स के अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो सारे भूत उन डॉल्स के अंदर आ जाते हैं। तभी यायो उनसे पूछती है कि जल्दी बताओ, तुम में से किसने आइको को अपने कब्जे में किया हुआ है? लेकिन उनमें से कोई भी भूत कुछ नहीं बताता। तभी यायो एक कटर उठाकर उनमें से एक डॉल के अंदर घुसा देती है, जिससे सारे भूत डरने लगते हैं। तभी वो आपस में लड़कर ये पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार आइको को अपने कब्जे में किसने किया है। तभी कुछ देर के बाद जिस भूत ने आइको को अपने कब्जे में किया होता है, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें नर्क में पहुंचा दूंगा, मुझे जल्दी छोड़ दो। तभी यायो उससे कहती है कि मैंने नर्क पहले से देखा हुआ है, तुम फटाफट मेरी डॉल के अंदर आओ, वरना मैं बताती हूँ तुम्हें नर्क क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यायो उस डॉल को मंदिर वाले भूत को खिला देती है और वो डॉल फट जाती है, जिसके बाद आइको पूरी तरह से आजाद हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सारे वापस से टेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर आइको को कुछ भी याद नहीं होता। काइटारो उसे आराम करने के लिए कहता है और सुला देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि आइको सुबह जल्दी उठ जाती है और काइटारो भी उठकर उसके पास जाने लगता है। तभी आइको उससे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइको काइटारो से अपने प्यार का इजहार करती है और काइटारो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सारे घर पहुंच जाते हैं और तभी काइटारो यायो से कहता है कि मैं भूत पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पहले मुझे लगता था कि मैं भूतों में पढ़कर अपनी नॉर्मल लाइफ से दूर हो रहा हूँ, लेकिन अब मैं नए दोस्त बनाऊंगा और इस कर्ज को भी दूर करूंगा और मैं दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो अपने घर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो यायो से पूछता है कि जैसे हमने ब्रिज पर देखा था, क्या सच में ऐसे ही भूत एक साथ रहते हैं? जिस पर यायो कहती है कि ऐसा काफी कम देखने को मिलता है कि सारे भूत आपस में एक साथ रहें। अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को खाकर जिंदा रहेंगे, लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि सारे भूत एक साथ रहते हों, लेकिन इसके लिए तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली, या तो उन भूतों को पता ही ना हो कि वो मर चुके हैं। दूसरी, या तो वो भूत एक साथ रह रहे हो जहां पर वो किसी एक चीज से बंधे हुए हो। और तीसरी कंडीशन, या फिर वो सारे आपस में इकट्ठा रहकर किसी बड़े भूत से बच रहे हो। जिसके बाद काइटारो से पूछता है, क्या तुमने कभी एक खतरनाक
भूत को देखा है। यायो उसे कहती है कि हाँ, जिस भूत ने मेरी माँ की आत्मा को पकड़ा हुआ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और मैंने उसे एक नाम भी दिया है जो कि है मौत का भूत। अगले सीन में हमें एक काफी खतरनाक आत्मा को दिखाया जाता है जो कि छोटी मोटी आत्माओं और भूतों को खा रही होती है और इस बड़ी आत्मा के अंदर से यायो की मम्मी की आवाज भी आ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यायो और काइटारो आपस में बैठे हुए होते हैं। तभी यायो उसे एक कॉइन देती है और उसे कहती है कि ये कॉइन हमें बताएगा कि भूत कहाँ पर है और वो उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी काइटारो उसे मना कर देता है और ये कहता है कि पहले हमें अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। फिर हम देखते हैं कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो दोनों भूतिया जगह के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन तभी आयको बाहर खड़ी हुई गाड़ी में उनका वेट कर रही होती है। काइटारो ये कहता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, जिसके बाद वो सारे उस भूतिया जगह के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयको उन सभी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। काइटारो से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। आयको बताती है कि पिछले 50 सालों से टीवी और न्यूज़पेपर में इसी जगह के चर्चे हैं। फिर वो सारे नीचे उतरकर इस जगह को देखने लगते हैं। आयको बताती है कि इस जगह का नाम है एस टनल और यहाँ पर एक औरत की आत्मा है जो कि वाइट कपड़ों में यहाँ पर घूमती रहती है। कभी कभी ये देखने में आता है कि यहाँ पर एक औरत का भूत अपने बच्चे के साथ दिखाई देता है और कई बार गाड़ियों के पीछे औरत को रेंगते हुए भी देखा जा सकता है और कई बार भूतनी ऊपर से भी दिखाई देती है जो कि लटकी हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी होता है कि अगर तुम पैदल जा रहे हो तो कोई तुम्हारा पीछे से हाथ पकड़ लेगा। फिर हम देखते हैं कि काइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है, लेकिन आयको और यायो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो सारे टनल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन काइटारो को टनल की दीवारों पर कुछ लगा हुआ दिखता है। काइटारो उसे छूकर देखता है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि आयको पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद काइटारो काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि आयको कितनी ज्यादा अच्छी है, वो मेरा इतना ख्याल रख रही है। लेकिन जैसे ही काइटारो पलटकर देखता है तो आयको बहुत ज्यादा दूर खड़ी होती है और काइटारो का हाथ किसी और भूत ने पकड़ा होता है। ये देखने के बाद काइटारो की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी यायो अपनी डॉल निकालकर उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे दोबारा से अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो भूत उल्टा लटका होता है और उन सभी को देख रहा होता है। जिसके बाद वो सारे दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठकर टनल के अंदर आने लगते हैं। काइटारो कहता है कि हम दोबारा से इस टनल के अंदर क्यों जा रहे हैं। आयको कहती है कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम भूत को पकड़ सके। जिसके बाद यायो ये कहती है कि कोई भी भूत तुम्हारे घर में या गाड़ी के अंदर तब तक नहीं घुसता जब तक तुम उसके लिए दरवाजा ना खोल दो। तभी हम देखते हैं कि काइटारो को अचानक गाड़ी के पीछे एक औरत गिरी हुई दिखती है, लेकिन वो जैसे ही दोबारा वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखने के बाद काइटारो की पैंट और भी ज्यादा गीली हो जाती है, लेकिन तभी अचानक उन्हें गाड़ी के सामने एक औरत लटकी हुई दिखती है जिसको देखकर वो सारे डरने लगते हैं। लेकिन तभी यायो गाड़ी को चलाकर उस भूतनी को उड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों यायो से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। यायो बताती है कि भूत तीन तरह के होते हैं, पहला भूत जो गाड़ी के आर पार जा सकता है, दूसरा जो गाड़ी के अंदर आने के बाद बाहर नहीं निकल सकता, और तीसरा जो गाड़ी से टकराकर उड़ सकता है। तो मैंने इसे उड़ा दिया और ये एक ऐसा भूत है जो एक बार गाड़ी के अंदर अगर आ गया तो हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं। ये कहने के बाद यायो गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और आयको और काइटारो की बैंड बज जाती है। तभी यायो काइटारो को एक डॉल देती है और उससे कहती है कि तुम इस भूत को इस डॉल के अंदर पकड़ लेना। तभी हम देखते हैं कि काइटारो उस भूत को डॉल के अंदर पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई बैठा हुआ है, लेकिन जैसे वो साइड में देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। काइटारो को ऐसा लगता है कि उसे वहम हुआ है, जिसके बाद वो सारे घर के लिए निकल जाते हैं। आयको और यायो काइटारो को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही काइटारो अपने घर के अंदर जा रहा होता है तभी वो टर्नल वाली भूत काइटारो के साथ साथ उसके घर के अंदर एंटर हो जाती है। जब काइटारो नहा रहा होता है तब भी वो भूत उसके पास ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और ये सोचता है कि मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। जैसे ही काइटारो अपनी आंखें बंद करता है तभी वो टनल वाला भूत काइटारो को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि यायो को ऐसा लगता है कि हमारी डॉल के अंदर जो आत्मा है ये तो वो टनल वाली आत्मा नहीं है, मुझे लगता है उस टनल वाली आत्मा ने हमें धोखा दे दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों काइटारो के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर काइटारो की मम्मी होती है जो कि इनसे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो। यायो कहती है कि काइटारो गलती से हमारा फोन लेकर आ गया है तो मैं उसे उसका फोन देने आई हूं। जिसके बाद यायो अकेली ही काइटारो के कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि वही भूत उसके सामने खड़ा होता है और वो भूत आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यायो उस भूत की पोजीशन का पता लगा रही होती है क्योंकि ये वाला भूत अपना इल्यूजन बना सकता था। यायो को पता लगता है कि ये वाला भूत गेट के पीछे है और जो सामने भूत खड़ा हुआ है वो बस एक इल्यूजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यायो उस भूत के ऊपर चढ़कर उसकी चोटी को उखाड़ देती है, जिससे उस भूत को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। यायो उससे कहती है कि जल्दी से काइटारो को छोड़ दो। उसके बाद यायो उसका गला दबाने लगती है और जैसे ही वो भूत काइटारो को छोड़ता है तभी यायो उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमने एक इंसान को परेशान किया है, उसे मारने की कोशिश की है, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि यायो उस भूत को पकड़ लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों आपस में बैठे होते हैं। काइटारो ये कहता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा कि मुझे एक भूत ने पकड़ लिया है। यायो उसे बताती है कि ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल सच था। ये सुनने के बाद काइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है और वो यायो से कहता है कि मैं तुम्हारे कोई भी काम नहीं आ पा रहा, मैं बस तुम्हारी मुसीबतें बढ़ा रहा हूँ। यायो उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पिछले महीने मैंने काफी सारे भूत पकड़े हैं और तुम फट्टू हो। ये सुनने के बाद काइटारो और भी ज्यादा भड़क जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि काइटारो अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तभी यायो उसे कहती है तुम अपना बैग तो चेक कर लो। और जैसे ही काइटारो अपना बैग चेक करता है वो देखता है उसके अंदर एक भूत वाली डॉल होती है। उसको देखने के बाद काइटारो की पैंट गीली हो जाती है और वो ये कहता है अरे यार ये डॉल मेरे बैग के अंदर आई कहाँ से। तभी हम देखते हैं कि यायो उस डॉल को बाहर निकालती है और ये कहती है कि तुमने अगर दोबारा से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो अपने घर के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसे कोचिंग से एक फोन आता है कि उसे अब एक और लड़की को पढ़ाना है, जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का सेकंड पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।